టీవీ 99 కి స్వాగతం. ఈ రోజు ముఖ్యాంశాలు. డీసీపీ సౌత్జోన్ మరొక కార్డన్ శోధన, శాస్త్ర చికిత్స. డీసీపీ శ్రీ.వి. సత్యనారాయణ సార్ ఐపీసీ పర్యవేక్షణ. హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్, దక్షిణ పోలీస్, మక్కా కాలనీ, ఫలక్నుమా, కాలపథర్ పీఎస్ పరిమితులు, బిర్యానీ షా, టేకరి ప్రాంతాల్లో కార్డన్ శోధన ఆపరేషన్ నిర్వహించారు. సౌత్జోన్ కాలపథర్ అండ్ ఫలక్నుమా పీఎస్ పరిమితిలోని రౌడీ షీటర్స్ హల్చల్ యొక్క కొన్ని ఫిర్యాదులను అందుకుంది. దక్షిణ కొరియా పోలీస్ ఆందోళనను వెంటనే అమలు చేశాయి. హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ సౌత్జోన్ యొక్క 250 మంది పోలీసులు అధికారులు పాల్గొన్నారు. క్వార్టర్ శోధన ధృవీకరణ కోసం నిర్బంధంలో ఉన్న 4 వాహనాలను సహా 63 వాహనాలు రౌడీ షీటర్స్ నుండి 10 లాక్కున్నారు, స్వాధీనం చేసుకున్నారు. 20 అమనుతులు అండ్ రౌడీ షీటర్లు నిర్బంధంలోకి తీసుకున్నారు. పోలీస్ వారి నేర కార్యకలాపాల ఫిర్యాదులను స్వీకరించిన తర్వాత రౌడీ షీటర్స్ అసద్ అండ్ వాజిద్ వారి సహచారులు మీడియా డీసీపీ సౌత్జోన్ మాట్లాడుతూ ఓల్డ్ పీడీ చట్టం అసద్ అండ్ ఏఎంపీ వాజిద్ ని విధించబడతాయి. ఇటువంటి కొన్ని క్వార్టర్ శోధన కార్యకలాపాలు కాలపత్తర్ మరియు యాసద్పురా ప్రాంతాల్లో నిర్వహించిన ఉంటుంది. క్వార్టర్ ఆపరేషన్ 5 గంటల నుంచి ప్రారంభమై 8 గంటల వరకు పూర్తి అయ్యింది. సౌత్జోన్ డీసీపీ సార్, ఈ విషయంలో ముఖ్యంగా మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్స్ డీసీపీ శ్రీ.వి. సత్యనారాయణ సార్ మరియు దక్షిణ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ మరియు హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ సౌత్జోన్ 250 పోలీస్ అధికారులు చాలా వాహనాలపై శ్రద్ద వహించారు. ఉదయం 8 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు పూర్తి అయ్యింది. క్వార్టర్ శోధనలో 63 వాహనాలు పట్టుకున్నారు. రౌడీ షీటర్స్ నుండి లాక్కున్న వాహనాలు 10 పట్టుకున్నారు. మళ్ళీ కలుద్దాం టీవీ 99 కి. అంతవరకు दो दिन का पहले रात में दो रौडी शीटर्स का फॉलोअर्स, एक असद एक वाजिद, दोनों मिलकर बिरयानी शाह टेकड़ी एरिया में थोड़ा हलचल कर दिया, थोड़ा गड़बड़ कर दिया. तो पूरा रमजान होली महीने के बाद कुछ यूथ ड्यूरिंग द होली फेस्टिवल बहुत अच्छा रहा, डिसिप्लिन में रहा, लेकिन कुछ लोग फेस्टिवल के बाद कुछ ही ऐसा घूम रहा है, अनरूली तरफ, डिसिप्लिन से नहीं है, अनरूली थोड़ा खानदान दिखाना, वो हथियार बताना, ऐसे मामले में हमको कंप्लेंट्स आया. दो दिन के पहले रात में कालापत्थर बिरयानी शाह टेकड़ी में कुछ झगड़ा हुआ. एक वाजिद खान ऐसा जा रहा है व्हीकल पे, कुछ लोग बच्चे लोग वहाँ बैठकर वाजिद जा रहा है, तो वाजिद यू टर्न करके ये जान भी बताया. तो ये पूरा अपोजिट लोग वो हैबत होके वो पूरा 30-40 लोगों को बुलाया, वो भी वाजिद के लिए ढूंढ लिया. वो पुलिस को बताना चाहिए. और हमारा पुलिस हमेशा रौडी शीटर्स को काउंसलिंग कर रहे हैं, तुमको कोई थ्रेटनिंग है, कुछ प्रॉब्लम है, परेशानी है, तकलीफ है, ऐसा रहेगा तो कमेंट करेगा तो हमको बोलना बोल रहे. लेकिन ज़्यादा लोग सुधरने के लिए, रिफॉर्म होने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 2-3% रौडी शीटर, वो खानदान बहुत अच्छे लग रहे हैं. रौडी शीटर बोलने में, रौडी शीटर बताने में वो थोड़ा इज्जत फील कर रहे हैं. तो ये लोग को कैसे कंट्रोल करना, ये कानून और अदालत तो कैसे कठिन आए इस लोग के ऊपर हम भी बताएं. तो कारण सच ऑपरेशन सुबह से 250 लोग से ये बिरयानी शाद तकड़ी, मक्का कॉलोनी, कालापत्थर और पलकनामा आजू बाजू कॉलोनीस में, जो कॉलोनीस में कंप्लेंट्स कर रहे हैं लोग, तमाम लोग वो रात में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, यूथ नौजवान बच्चे, तो इसमें डाल दिया. 63 व्हीकल्स सीज कर दिया, इसमें 4 व्हीलर्स भी थे और 20 सस्पेक्ट्स बाय रौडी शीटर्स. ये
8 वो लोग का दो दिन का पहले झगड़ा हो गया, इसका 6 व्हीकल्स सीज कर दिया, एक जिम क्लोज कर दिया, गोल्ड जिम, वो पूरा ट्रेनर्स आके थोड़ा हंगामा कर दिया, और 10 जाम्बिया, ये पूरा लीथल वेपन्स है, पावरफुल वेपन्स है, अगर ये करेगा तो इमीडिएटली मर्डर हो जाता। तो ये जमरूद, वाजिद और दूसरा अपोजिट वालों के घर में भी एक कारण सच में मिला, ये 10 जाम्बिया नाइफ्स हथियार के साथ जो आदमी रेस्पॉन्सिबल है उनको जेल भी जाएंगे। वो असद वाजिद को और एक बार पीरियड में चला भेजेंगे, क्योंकि दो बार पीरियड को गए लेकिन वो क्रिमिनल एटीट्यूड चेंज नहीं करना, तो उन लोगों को और दोबारा पीरियड जाएगा तो लोगों को तकलीफ कम हो जाता, लोगों को थ्रेटनिंग कम हो जाती है। इसीलिए हम ये कारण से ऑपरेशन में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। इसी टाइप दो तीन एरियाज तालाबकट्टा, नशेमा नगर, हफीज बाबा नगर, जहानुमा, कालापत्थर खामागीपुरा, असद बाबा नगर, बहदुरपुरा, ये एरियाज में रात में नौजवान बच्चे घूम रहे, चबूतरा मिशन करना है और कारण से करना है, ऐसा औरत लोग एल्डरली पीपल हमको कंटिन्यूसली फ़ोन कर रहे हैं, कंप्लेंट्स कर रहे हैं, हम उस एरियाज में और एक बार कार्डन सर्च करेंगे, चबूतरा मिशन करेंगे, लोगों के ऊपर सख्ती से एक्शन ले लेंगे। वो लोग सोच रहे हैं हमारा खानदान के लिए खानदान दिखाना, वो जान लिया तो लोगों को डराना, ऐसा मामला नहीं चलते। पुराना शहर बहुत अच्छा तरफ जा रहे, एक तरफ चार मीनार पेडेस्ट्रियल प्रोजेक्ट जा रहे, बड़ा बड़ा मल्टीप्लेक्स आ रहे, लोग बहुत पढ़ाई जा रहे, रेजिडेंशियल स्कूल्स में बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे। इस मामला में 10-15 रोडी शीटर्स पूरा बुरा नाम लाने के लिए कोशिश करेगा तो उनके ऊपर सख्ती से एक्शन ले लेंगे, आयरन फुट से उनको सप्रेस करेंगे। किसी तरफ से जो आदमी उनको सपोर्ट कर रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो स्टूडेंट्स हो कोई कितना स्टेटस में हो, हम नहीं मानेंगे। लोगों को सेफ्टी हमारा टॉप प्रायोरिटी है। इस मामला में वो ड्रामा थोड़ा दर्शन सिनेमा टाइप ही करेगा तो उसको कैसे कंट्रोल करना हमको मालूम है, तो पीडीएफ में जो आदमी रेस्पॉन्सिबल उनको पीडीएफ में भेजेंगे। तो टोटल कितने अरेस्ट हैं अभी? 8% केसेस में अरेस्ट है, और 10 जाम्बिया नाइफ्स और हथियार ये लोग से सीज कर दिया, और 15 मेंबर्स को आइडेंटिफाई कर दिया। अभी 5 सर्च पार्टीज ये सबको एक दो दिन में गिरफ्तार करके नॉन अवेलेबल सेक्शंस में अंदर भेजेंगे। थैंक यू। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय खलम गर्ल्स जूनियर कॉलेज, लड़कियों की तालीम का मियारी मरकज, जहां बहुत ही उम्दा माहौल में तालीम दी जाती है। हाईली ट्रेन फैकल्टी की जेर निगरानी सीईसी, एमईसी, एमपीसी, बाईपीसी कोर्सेस चलाए जा रहे हैं। मुकम्मल अंग्रेजी माहौल और तालीम के अलावा एजुकेशनल फील्ड ट्रिप्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की सहूलत के साथ मुसलसिल 4 साल से लगातार 100% कामयाब नतायज, दाखिले जारी हैं। आज ही तशरीफ लाइए अपने लड़कियों के रोशन मुस्तकबिल के लिए आपका अपना इदारा खलम गर्ल्स जूनियर कॉलेज। मजीद तफसीलात के लिए DRDL रोड बाबा नगर और तारबंद रोड नज अनस मॉडल हाई स्कूल।